अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको रहीम यार खान के अटूल प्लाजे का विज़िट करवाऊंगा। इस वक्त मैं रहीम यार खान के शहर में मौजूद हूँ। ये सामने आप जो गेट देख रहे हैं, ये रहीम यार खान का एग्ज़िट गेट है। ये N5 के ऊपर मौजूद है। इस जगह पे मेरे लेफ़्ट साइड पे सादिकाबाद और राइट साइड पे शेखवान, सरदारगढ़, जहर पीर से होते हुए बहावलपुर की तरफ सफ़र है। इस वक्त जिस सिटी में हम मौजूद हैं, इसका नाम इकबालाबाद है। इकबालाबाद में हम मौजूद हैं। इकबालाबाद मेन शहर से आपको एक रोड मिलेगा जिसका नाम दुबई रोड है। उस N5 से और M5 दोनों के दरमियान में जो दुबई रोड है, इस पे तकरीबन 11 किलोमीटर सफ़र करने के बाद आपको M5 मिलेगा। चलो दोस्तों, आपको मैं दुबई रोड का भी विज़िट करवाता हूँ। दुबई रोड सिंगल रोड है, लेकिन एक अच्छी मियारी रोड बनाई हुई है ताकि नेक्स्ट टाइम में आने वाले दौर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी, इस हिसाब से उस रोड की चौड़ाई लंबाई के हिसाब से काफ़ी अच्छी रोड बनाई गई है। मैं उसका भी विज़िट करवाता हूँ और आपको रहीम यार खान टूल प्लाजे का भी विज़िट करवाता हूँ। रहीम यार खान का नाम उस टूल प्लाजे को इसलिए दिया गया क्योंकि मेन सिटी रहीम यार खान, सबसे बड़ा सिटी वही उसको लिंक करते हैं, लेकिन वो जिस जगह पर मौजूद है वो इलाका रहीम यार खान का नहीं है। आप उसका मुख्तलिफ एक गांव है, छोटा सा गांव की तरह इलाका है, गांव की तरह वो इलाका है मोहम्मदपुर। मोहम्मदपुर टूल प्लाजा है असल मेन, लेकिन मशहूर ज़्यादातर नाम उसका रहीम यार खान टूल प्लाजा लिया जाता है क्योंकि वो रहीम यार खान के शहर को लिंक करता है। ये हम इधर से यू टर्न लेंगे। यू टर्न लेने के बाद हम दुबई रोड पर सफ़र का आगाज़ करेंगे। ये देख सकते हैं आप, रहीम यार खान का गेट है। हमने एग्ज़िट कर दिया इसको। जैसे आप अभी देख रहे हैं, ये अबू ज़ैबी और दुबई, कुछ लोग इनको दुबई रोड के नाम से जानते हैं, कुछ लोग अबू ज़ैबी रोड के नाम से जानते हैं। इसका नाम ये पढ़ने की वजह, इस तरफ जिस तरफ हम जा रहे हैं, इस तरफ दुबई और अबू ज़ैबी के जो शेख्स हैं, शेख वो आते हैं इस तरफ, उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, शिकार के लिए आते हैं इन तरफ बहुत। उन्होंने बड़ा अपना एक एरिया में ज़ू बनाया हुआ है जहाँ पे वो शिकार के लिए आते हैं, इसी वजह से इस रोड का नाम दुबई अबू ज़ैबी रोड रखा गया है। ये हम मोटरवे के करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप साइन दे सकते हैं, सखर 1 किलोमीटर, मुल्तान 2 किलोमीटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 किलोमीटर के बाद मुल्तान पहुँच जाएंगे या 1 किलोमीटर के बाद सखर पहुँच जाएंगे। इस साइन का मतलब ये है कि यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद आप जो टर्न लेंगे वो सखर के लिए टर्न लेंगे और 2 किलोमीटर के बाद आप जो टर्न लेंगे वो मुल्तान के लिए टर्न लेंगे। ये दोस्तों, अब हम मोटरवे इंटरचेंज, रहीम यार खान इंटरचेंज के पास पहुँच चुके हैं। ये जो अबू ज़ैबी रोड है, ये सीधा जिस के मैंने पहले आपको बताया उस तरफ निकल जाता है और ये मेरे लेफ्ट साइड पर टूल प्लाजा। आगे चलते हैं, आपको टूल प्लाजे का विज़िट करवाते हैं। यहाँ से जो हम टर्न लेंगे वो सखर के लिए,
अगली साइड से, दूसरी साइड से जो टर्न लेंगे वो मुल्तान के लिए। ये सामने मुल्तान, ये वेट स्टेशन, यहाँ पे एचटीवी गाड़ियों का पहले वेट होगा फिर आगे जाएंगी। ये सामने आपको टूल प्लाजा नज़र आ रहा है, लाइट्स का काम भी कंप्लीट है इस साइड पे भी, लाइन मार्किंग का भी काम बिल्कुल कंप्लीट है इस साइड पे। ये रहीम यार खान टूल प्लाजा, कुछ काम उसका पेंडिंग है लेकिन उसकी जो ऑफिस बिल्डिंग है उसका काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये NHA के ऑफिसेस, इनका काम भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और ये दूसरी साइड पे जो टूल प्लाजा है वो, उसका काम भी 90% कंप्लीट है, बिल्डिंग्स कंप्लीट हैं।